दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से EFS की इस एक और नई स्टोरी में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी वेडिंग ड्रेस के बारे में बताने वाला हूं जिसे हंटेड माना जाता है और कहा जाता है कि इस ड्रेस को अक्सर ही यहां से वहां घूमते हुए देखा गया है। कहते हैं कि आज भी इस ड्रेस में एना बेकर की आत्मा मौजूद है। तो चलिए दोस्तों आज जानते हैं एना बेकर की उस हंटिंग वेडिंग ड्रेस के बारे में। दोस्तों मेरा नाम है अमन, बने रहिए वीडियो के अंत तक और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। द हंटिंग वेडिंग ड्रेस। दोस्तों ये ड्रेस एक एना बेकर नाम की लड़की की थी जिसका जन्म सन 1843 में एक अमीर घराने में हुआ था। एना बेकर एक बहुत ही सुंदर लड़की थी और उसके जो पिता थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान थे। सालों बाद जब एना बेकर टीनेजर हुई तो उसे एक लड़के से प्यार हो गया, लेकिन जब एना ने अपने पिता से अपने प्यार के लिए इजाजत मांगी तो उन्होंने एना से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि एना बेकर एक रिच फैमिली की थी और जिस लड़के से वो प्यार करती थी वो एक लोअर क्लास का लड़का था। दोस्तों एना ने अपने प्यार के लिए अपने पिता से काफ़ी मिन्नतें की, लेकिन उसके पिता कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। एना के पिता ने एना से उस लड़के को दूर कर दिया, लेकिन जब एना के पिता ने ऐसा किया तभी एना ने ठान लिया कि वो जिंदगी में कभी शादी नहीं करेगी और करेगी तो सिर्फ उसी लड़के से। अपने प्यार से दूर हो जाने के बाद एना अंदर से टूट गई थी। उसे ज्यादातर घर में ही रखा जाता था, लेकिन फिर भी वो अपने प्यार का इंतजार कर रही थी। और फिर एक दिन एना के पिता का देहांत हो जाता है जिससे एना को एक बड़ा सदमा झेलना पड़ता है। अब दोस्तों पिता की मौत के बाद एना ने उस लड़के को बहुत ढूंढा जिससे वो प्यार करती थी, लेकिन तब तक उस लड़के की शादी हो चुकी थी। अब दोस्तों पिता की मौत और अपने प्यार को खो देने के बाद एना की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी थी। एना अपने कमरे में अपने आप से ही बातें करने लगी थी और बेवजह ही डांस करती थी। अब दोस्तों मानसिक स्थिति खो जाने के कारण एना उस स्ट्रेस को बिल्कुल भी नहीं उतारती, जिसकी वजह से उसे उसके हाल पर ही छोड़ दिया गया। और इसी तरह एक दिन सन 1914 में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद एना की ड्रेस को उसके बेडरूम में रख दिया गया। दोस्तों कई सारे लोगों का कहना है कि एना के मरने के बाद भी एना के बेडरूम से उसके बातें करने की चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने एना की ड्रेस को इधर से उधर घर में भटकते हुए भी देखा है और कई लोग एना को देखने का दावा करते हैं। इन्हीं सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के कारण उस ड्रेस को एक कांच के बक्से में बंद करके उसी बेडरूम में रख दिया गया। अब धीरे धीरे वो बेकर मेंशन एक म्यूजियम में बदल गया है और कहा जाता है कि आज भी वो ड्रेस वहीं रखी है और कई लोग उस ड्रेस में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को यानी कि हॉन्टिंग्स को महसूस करते हैं। कई लोगों ने उस ड्रेस को हिलते डुलते और मोशंस करते हुए देखा है। और दोस्तों इसी ड्रेस की एक झलक को दिखाया गया है एनाबेला कम्स होम मूवी में, जिससे ये पता चलता है कि ये घटना एकदम असली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, जिससे मैं अगली वीडियो के लिए मोटिवेट हो सकूँ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।